हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कई डिकेड्स की प्रॉब्लम है पैलेस्टाइन की, उसको इंटरनेशनल लॉ के प्रस्पेक्टिव से समझा जाए, तो इसके लिए मैंने इनवाइट किया है पॉलिटिकल साइंस और स्ट्रेटजिक स्टडीज के बहुत ही लीडिंग और इमिनेंट स्कॉलर प्रोफेसर मिर्जा असमर बेग को, जो प्रोफेसर हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज के, हेड रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ईपीडब्ल्यू में, सेमिनार में, कॉमनवेल्थ जनरल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में, राउंड टेबल में, फॉरेन अफेयर्स में लिखते रहे हैं, विजिटिंग स्कॉलर हैं साउदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी में। इनका जो डिजर्टेशन था थीसिस का, उसको 1999 में अमेरिकन स्टडीज सेंटर हैदराबाद से फर्स्ट प्राइज मिला था। प्रोफेसर असमर बेग, आपका बहुत वेलकम है लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में। जैसा आपके मालूम है कि हम लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में आम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लीगल इश्यूज समझाने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि ये पैलेस्टाइन का रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है। पैलेस्टाइन मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी जगह का इतना ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं होगा जितना पैलेस्टाइन का है, क्योंकि दुनिया के तीन बड़े अब्राहमिक रिलीजन्स क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म के बहुत ही मुकद्दस मकामात जो है वो पैलेस्टाइन के अंदर मौजूद है। जैसे वहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है, जो मुसलमानों की थर्ड सबसे होली श्राइन मानी जाती है। टेम्पल माउंट है, जहां पर डोम ऑफ द रॉक है, जिसको अब्दुल मालिक इब्न मरवान ने 658 एडी में बनवाया था। फिर वहां पर वेलिंग वॉल, जिसको ज्यूज बहुत ही अपनी पायस जगह समझते हैं, जिसको वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। यहां पर इसको मुसलमान बुराक वॉल कहते हैं, जहां पर बुराक जो सवारी थी जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, वहां पर उसको पाक किया था। उसी तरह ज्यूस का ये कहना है कि जो वो इलाका है पूरा टेंपल माउंट का, ये सबसे होली जगह है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गॉड के होने का एहसास होता है। उसी तरह वहीं पर उनका फर्स्ट टेंपल बना हुआ था, जिसको तोड़ दिया गया बेबीलोनियंस ने। फिर दूसरा टेंपल बना वहां पर, जिसको हेरोड ने बनाया था, जिसको रोमन्स ने तोड़ दिया। और ज्यूस का मानना है कि हमारा थर्ड टेंपल भी यहीं बनेगा टेंपल माउंट। उसी तरह क्रिश्चियंस के लिए भी बड़ी होली जगह यहाँ पैलेस्टाइन है। वहीं पर बेथलेम है, वहीं पर उनका टूम्ब ऑफ क्राइस्ट है, वहीं पर चर्च ऑफ नेटिविटी है, चर्च ऑफ एनन्सिएशन है, और न जाने कितने मुकद्दस मुकाम। कॉम्प्लेक्स में प्रोफेसर बेग, जीसस को क्रूसीफाई किया गया था क्रिश्चियन बिलीफ के। क्रूसीफाई किया गया था, जी जी। तो ये सारे मुकाम जो है वो यहाँ पर है, और इसी वजह से इस ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि बहुत लोगों की इसमें। तो अब मैं दूसरी बात प्रोफेसर बेग ये पूछना चाहता हूं कि ये हिस्ट्री क्या है, ये जो पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे ये शुरू हुआ। मुझे ये एहसास है कि 19 सेंचुरी में जायोनिज्म की कुछ बुनियाद पड़ गई, कुछ अरब नेशनलिज्म भी हो गया, पैलेस्टाइन ऑटोमन्स के अंडर में था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ? देखिए, ऐसा है कि ये टेरिटरी जो है ये बहुत से लोगों के कब्जे में रही है। ज्यूज इसमें क्लेम करते हैं कि साहब बिब्लिकल इसकी रादर लिंक्स हैं, क्योंकि बाइबल में इसका बड़ा जिक्र है, लेकिन वहीं पर जो फर्स्ट बाइबल थी तोरा, उसमें जेरूसलम का कहीं जिक्र नहीं है। उसी तरह मुसलमान कहते हैं कि साहब कुरान में हमारे और अहदीस में इसके रेफरेंसेस मिलते हैं कि साहब ये मुसलमानों की जगह है, लेकिन एक्चुअली हिस्टोरिकली एबिसिनियंस, बेबीलोनियंस, अरब्स, ग्रीक्स, रोमन्स, फातिमाइट्स, सेल्जुक्स, इजिप्शियंस, सब ने इस पर हुकूमत की है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है 1517 से लेकर 1914 तक, यहाँ पर ऑटोमन की हुकूमत रही, ऑटोमन एम्पायर था। लेकिन जाहिर सी बात है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और ऑटोमन एम्पायर जाहिर सी बात है हारने वाली पार्टी में था, तो यहाँ पर एक मैंडेट सिस्टम लीग ने शुरू किया,
जिसमें कुछ विक्टोरियस कंट्रीज जैसे फ्रांस और ब्रिटेन को डिफरेंट टेरिटरीज दे दी डिफरेंट जगहों पे, जिसको कहते थे मैंडेट टेरिटरीज। तो ये इलाका पैलेस्टाइन का और ट्रांस जॉर्डन का ब्रिटेन के हिस्से में। लेकिन ब्रिटेन जब लड़ाई लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसको उस जमाने में लग रहा था कि ज्यूस को भी हमें सपोर्ट लेना चाहिए और अरब्स का भी, सबका सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। तो कुछ उन्होंने इनडायरेक्टली अरब से भी प्रॉमिस किया कि साहब आपको एक होमलैंड, आपको इंडिपेंडेंस दी जाएगी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपके बनेंगे इस इलाके। और ज्यूस को कुछ उन्होंने वादा किया कि साहब हम आपके लिए ज्यूइश होमलैंड बनाएंगे। और उन्होंने एक बैल्फोर डिक्लेरेशन, फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटेन के, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला 1917 में जिसको बैल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें उन्होंने कमिट कर लिया कि हम ज्यूस के लिए होमलैंड यहाँ बनाएंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इससे पहले जो ज्यूज अपने होमलैंड की बात करते रहे हैं, कभी बात हुई कि युगांडा में उनका होमलैंड बन जाए, कभी उन्होंने सोचा है अर्जेंटीना में बन जाए, तो उस वक्त ये सारे बिब्लिकल रेफरेंसेस और सारे रिलीजियस क्लेम्स नहीं थे। लेकिन जब ज्यूज को उस वक्त ये लगा कि हमारा ये होमलैंड यहाँ बन सकता है, और उससे पहले थोड़ा आप पीछे जाएं तो 19th century में एक थियोडोर हर्ल्स थे, एक मशहूर ज्यू राइटर, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था द ज्यूइश स्टेट। उसमें उन्होंने ज्यूइश जो स्टेट बनेगा उसके उसकी आउटलाइंस दी थी कैसे ज्यूइश स्टेट बनेगा। और उसी जमाने में 19th century में धीरे धीरे ये सोच आने लगी कि साहब ये एक जगह जो है पॉसिबल हो सकती है जहां पर हमारा होमलैंड बन सकता है। तो जब ब्रिटेन को यहाँ का मैंडेट मिला तो ब्रिटेन के पॉलिसी मेकर्स के जहन में ये बात थी कि साहब हम यहाँ पर धीरे धीरे एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसमें एक ज्यूज का एक होमलैंड बन जाए। तो उसके बाद धीरे धीरे दुनिया भर के ज्यूज जो है खासतौर से ईस्टर्न यूरोप से पहले शुरू हुआ वहां पर आने शुरू। आप ये देखें कि जो उस वक्त का जो पीरियड था 1918 में, वहाँ ज्यूज की पॉपुलेशन सिर्फ 3% थी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टाइन। मुझे प्रोफेसर बेग आपको जरा सा इंटरप्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1800 में ज्यूज जो थे वो 6700 थे और अरब्स जो थे वो 2.68 लाख थे, जो बढ़ के 1880 में ज्यूज 24,000 हो गए और अरब्स 5.25 लाख हो गए। और 1915, अब आप 1917 की वेलफेयर डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, तो ज्यूज 87,500 थे पर अरब्स 5.9 लाख थे। तो ये प्रोफेसर बेग एज स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोफेसर, आप बताइए कि क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे कंट्री में जाके ऐसे इमिग्रेंट्स को बसा दिया जाए और फिर ये कहा जाए कि ये इमिग्रेंट्स के लिए जो है उनका होमलैंड है। आपको मालूम है कि यूरोप में हिटलर से पहले भी ज्यूज का बहुत परसिक्यूशन हुआ। आई थिंक यूक्रेन में शायद 1 लाख से ज्यादा ज्यूज जो थे उनको मार दिया गया था। तो क्या ऐसी कोई और भी एग्जाम्पल है कि बहुत माइनर, बहुत छोटी माइनॉरिटी से इमिग्रेंट्स को बढ़ा दिया जाए और फिर उनको एक होमलैंड दिया जाए? दुनिया में इसके एग्जाम्पल्स तो मिलते हैं कि मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूट करके खत्म कर दिया या हटा दिया वहां से या उनको एकदम मार्जिनलाइज कर दिया, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में शायद कहीं नहीं है कि माइनॉरिटी जो है वो इवेंचुअली एक डोमिनेंट सेक्शन हो गई और उसने एक स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। आप देखिए कितनी तेजी से 1918 में 3% है ज्यूज, 1924 में 9% है और 1930 तक आते आते 24-25% हो गए। और इस तरह से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब बाल्फर डिक्लेरेशन हो रहा है 1917 में तो वो 9% है। एक 9% इमिग्रेंट कम्युनिटी को लैंड देने की बात क्यों कही जा रही है, ये बात कुछ क्लैरिटी में नहीं आ रही इसमें। ये बात इसलिए कही जा रही है कि ब्रिटेन जो है, देखिए जो भी कॉलोनियल पावर्स हैं दुनिया में, इंपीरियल पावर्स रहे हैं या बड़ा पावर जो होता है, उसकी एक खास बात ये होती है कि वो फार साइटेड होता है, वो पर्सपेक्टिव प्लानिंग करता है आगे की। साहब आज तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, अब धीरे धीरे सारे स्टेट्स अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो इस इलाके में हमारा तो कोई फुट होल्ड नहीं रहेगा। इससे पहले तो ये इंपीरियल कॉलोनियल पावर्स थे, ब्रिटेन फ्रांस और ये सारे लोग, तो इन्होंने सोचा कि आगे आने वाले वक्त में हमारा कोई फुट होल्ड इस इलाके में होना चाहिए। अगर ये सारे मुस्लिम स्टेट्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगे तो फिर ये तो बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे और शायद हमारा यहाँ पर हमारी कुछ ना चले यहाँ पर। तो ये बात सोचते हुए और इसी वजह से स्ट्रेटेजिकली उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इसराइल को प्लांट किया,
हमारा एक आउटपोस्ट रहेगा इन मुस्लिम स्टेट्स के बीच में, जिसके थ्रू हम इस इलाके में अपने फायर जमाएं। तो वो एक बेसिक रीजन था। तो वहां पर इन दोनों का इंटरेस्ट मिल गया, ज्यूज को होमलैंड चाहिए था और उनका कोई रिलीजियस भी उससे लिंक उनको मिल गया, ऐसा हमारा ज़ायनिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा ये तो हमारा बिब्लिकल लैंड है वो हमें मिल रहा है, और इंपीरियल पावर्स को लगा कि ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्ट की चीज है, तो उन्होंने सबने मिलकर इस चीज को रादर एक्चुअलाइज किया। और धीरे धीरे उनकी आबादी जाहिर सी बात है बढ़ती रही, और अरब्स ने कई बार मतलब उसके खिलाफ अपोजिशन भी किया, रिवोल्ट भी हुए। 1921 में रिवोल्ट हुआ, 1929 में हुआ, बहुत बड़ा रिवोल्ट 1936 में हुआ जिसको ब्रिटिश आर्मी ने बहुत ही स्ट्रॉन्गली ऑप्रेस किया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हजारों घर तोड़ दिए गए, 50,000 फिलिस्तीनियंस को वहां से छोड़ के जाना पड़ा, और एक एस्टिमेट के मुताबिक कम से कम 10% फिलिस्तीनियन मेल पॉपुलेशन ऐसी थी जो या तो मर गई थी या मतलब मार दी गई थी या इंजर्ड थी या कंसेंट्रेशन कैंप में चली। तो ये चीज इसलिए की गई कि फिलिस्तीनियंस की स्पिरिट टूट जाए, वो उसको अपोज न करें। लेकिन आप देखिए कि आयरोनिकली क्या होता है कि 36 में ये होता है और 44 तक आते आते जो ज़ायनिस्ट हैं जो मुस्तकिल उस इलाके में अपनी फुटहोल्ड को बढ़ा रहे हैं, एक उनकी आबादियां बढ़ रही, प्लस वो बाहर से आए उनके पास बहुत पैसे थे, तो बहुत से लैंड्स वो फिलिस्तीनियंस के खरीदते गए और उनको डिस्पोजेस करते गए लैंड्स, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी थी ज्यादा अपना फुटहोल्ड यहाँ पर बनाए। और 1944 तक आते आते ज़ायनिस्ट ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया कि साहब आप हमारा होमलैंड नहीं बना रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही, और उन्होंने यहाँ तक कि टेररिज्म करना शुरू किया। एक होटल था किंग डेविड होटल जहां पर उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जिसमें करीब 91 पीपल वर किल्ड। तो मतलब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, उन्होंने इतनी हालत वहां खराब कर दी। प्रोबेबली शायद उनकी ये सोच ये थी कि हम इसको ब्रिटेन जो मैंडेट था ब्रिटेन का ब्रिटेन के लिए अनमैनेजेबल करते हैं और ब्रिटेन यहां से छोड़ के चला। और इवेंचुअली यही हुआ जब 1947 में ब्रिटेन को लगा कि हम इस मैंडेट को मेंटेन नहीं कर सकते, तो उन्होंने सोचा कि हम इस मैंडेट को यूनाइटेड नेशंस को ट्रांसफर करें, और यूनाइटेड नेशंस ने इमीडिएटली जाहिर सी बात है एक पार्टीशन प्लान दे दिया जिसमें ये कहा कि साहब एक ज्यूइश और एक मुस्लिम स्टेट वहां पर बनेगा। ये आप तो बात कर रहे हैं प्लान 181 की बात हो रही है, November 29, 1947 के यूएन पे। तो इसमें प्रोफेसर बेग जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था टेरिटरी का, उसमें 54% इसराइल को दी जा रही है और 46% पैलेस्टीनियन को दी जा रही है, तो क्या अब ज्यूश पॉपुलेशन जो थी वो क्या मेजॉरिटी में हो चुकी थी 47 तक? अब यही तो देखिए है कि ज्यूश पॉपुलेशन भी उस वक्त कम थी और ज्यूश जो है उस वक्त सिर्फ 6% लैंड को ओन कर रहे थे। मतलब उस वक्त ज्यूज की जो कंडीशन वहां पे थी वो ऐसी नहीं थी कि उनको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएं, लेकिन फिर भी 55% लैंड उनको दे दिया जाता है और सिर्फ 45% लैंड ही कहा जाता है कि क्या नाम है फिलिस्तीनियंस के लिए रोका जाए। तो ये भी एक बहुत मतलब एक अहम चीज थी कि एक इतना जो जिनके पास सिर्फ 6% लैंड फिलहाल है और जो 1/3 पॉपुलेशन एक्चुअली उस वक्त हो गए थे वो वहां, तो जो 1/3 पॉपुलेशन को टेरिटरी दी गई, सिर्फ ये नहीं बल्कि उनको सारे पोर्ट्स दे दिए, हाइफा से जाफा तक जो पूरा पोर्ट का इलाका था जो बड़ा कीमती इलाका था वो दे दिया गया, सारे एग्रीकल्चरल लैंड्स दे दिए गए और सारे जो बहुत ही मतलब फर्टाइल सॉइल के लैंड थे वो सब उनको दे दिए गए। तो ये सारी चीजें इस वजह से अच्छा आप देखिए कि इंटरेस्टिंगली ये रेजोल्यूशन जो सिक्योरिटी काउंसिल में आया था इसको मूव किया था ब्रिटेन और वो पास हो गया यूनानिमसली। अच्छा इसराइल ने फॉरनर्स को एक्सेप्ट कर लिया, जाहिर सी बात है उनके लिए स्टेट बनने की बात थी और उन्होंने 15 मई में ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा स्टेट बन गया, और उससे पहले ही से वो पैलेस्टीनियंस को वहां से ड्राइव आउट कर रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही थी, मार रहे थे, इतने ज्यादा लोगों की किलिंग हुई, हजारों लोग मार दिए गए, करीब हजारों घर गिरा दिए गए। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई कि जिससे जी ये पिक्चर आ रही है आपके पास? आ रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई कि लोग टेररिज होकर वहां से भाग जाएं, और उसका नतीजा ये हुआ कि करीब 7.5 लाख लोग वहां से उस वक्त एग्जोडस कर गए, और जाहिर सी बात है फिलिस्तीनियन स्टेट तो नहीं बना, फिलिस्तीनियन स्टेट को तो जाके 2012 में नॉन मेंबर स्टेटस यूएन में मिला और इसराइल उस वक्त बन गया, उसी दिन अमेरिका ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और दुनिया के बहुत से मुल्कों ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इसराइल का स्टेट तो वजूद में आ गया उसी वक्त,
लेकिन पैलेस्टाइन वजूद में, पैलेस्टाइन का स्टेट वर्चुअली सर बेग या अरब्स ने ये जो 1947 का प्लान 181 था इसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, वो क्या आप एक हिस्टोरिकल मिस्टेक मानते हैं? कि क्योंकि अरब्स अगर एक्सेप्ट कर लेते तो उस वक्त 45-46% टेरिटरी पे एक पैलेस्टीनियन स्टेट भी बन जाती या नहीं बनती है? शायद वो बन जाती, लेकिन ये कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप देखें तो बहुत सी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। इंसान बाद में मतलब पीछे देखे तो लगेगा सर हम ये काम कर देते तो सही होता, लेकिन मुझे लगता है कि शुरू से ये इंपीरियल पावर्स पहले ब्रिटेन और बाद में अमेरिका की स्ट्रेटजी रही है कि कुछ ऐसे प्रपोजल दो जो पैलेस्टीनियंस एक्सेप्ट ही ना करें, जिसको कहते हैं ना एक नोगी की जोसेफ थ्योरी है इंटरनेशनल, सॉरी जोकर थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन। जोकर थ्योरी एक्चुअली डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन के रिलेशन में बनी थी, जिसमें कहा गया था कि पूरी दुनिया को एक आर्गुमेंट था कि पूरी दुनिया को जो बड़े पावर्स थे, सुपर पावर्स थे उस जमाने में, कोल्ड वॉर के जमाने में, ब्रिटेन अमेरिका और सोवियत यूनियन, बेवकूफ बनाते थे कि जब एक पावर कोई प्रपोजल देता था डिसआर्ममेंट का तो उसमें कुछ ऐसे एक दो प्रपोजल जरूर रख देता था, उसको मालूम था कि दूसरी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, वो रिजेक्ट कर देती थी। फिर जब दूसरी पार्टी प्रपोजल देती थी तो वो भी एक दो ऐसी चीजें रख देती थी इसमें ये ना एक्सेप्ट करें, तो उसमें ये था कि आपको लगेगा कि नेगोशिएशन चल रहे हैं लेकिन कोई सक्सेस उसमें नहीं, मतलब यू डोंट एक्चुअली वांट टू डू एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। तो वही चीज मुझे लगता है अमेरिका का ऐसा क्या मामला है जो इतनी अनकंडीशनल सपोर्ट इसराइल की करते हैं कि आज तक यूएन में कोई रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं आ पाया इसराइल के अगेंस्ट, जबकि जनरल काउंसिल ने कई रेजोल्यूशंस में इसराइल को कंडेम भी किया, बल्कि इसराइल का जो कुछ उनके वॉल वाला मामला था उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके गए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी उसको इलीगल माना। बट ये सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका क्यों इतना बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्टर बना हुआ है इसराइल? देखिए ऐसा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का लीडर जो था, जिसको कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का लीडर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक ब्रिटेन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो लीडरशिप ट्रांसफर हो गई अमेरिका के पास। अब अमेरिका ने इस कॉज को अडॉप्ट कर लिया और अमेरिका का स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका भी यही है कि वो उसको मालूम है कि ये मिडल ईस्ट जो है वो ऑयल रिसोर्स रिच एरिया है, ये रिसोर्स रिच एरियाज के ये कंट्रीज अपने इंडिपेंडेंट ना हो जाए और कहीं वो एसर्ट ना करने लगे जैसा कि अर्ली 70s में सऊदी अरेबिया में किंग फैसल ने किया था कि उन्होंने कहा कि साहब तेल का रेट हम जितना चाहे बढ़ा दें, तो उस जमाने में वो $12 पर बैरल से उन्होंने $48 कर दिया कि हमारा प्रेशियस रिसोर्स है, वी विल सेल इट एट द प्राइस वी वांट। तो उससे अमेरिका और पूरी दुनिया परेशान हो गई, तो अमेरिका को यह है कि वहां पे जो ऑयल है उस पर परमानेंट हमारा कंट्रोल रहे और हमारा एक क्लाइंट स्टेट वहां पे रहे जो इंश्योर करे कि सारे अरब कंट्रीज डरते रहे। और आयरोनिकली वो सारे अरब कंट्रीज भी ज्यादातर अमेरिका के अलाइज हैं क्योंकि वो अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, किंगशिप्स हैं और अमेरिका ने उनकी किंगशिप्स को इसीलिए कंटिन्यू कर रखा है कि आप हमारी हर बात को मानते रहे, जिस वक्त आप हमारी बात को नहीं मानेंगे हम आपको हटा देंगे। कजाफी का एग्जाम्पल आपके सामने है, सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सब एग्जाम्पल्स दूसरे अगर आप में से कोई भी हमारे रास्ते से में आया तो आपका वही अंजाम होगा जो इनका। और दूसरा ये कि अमेरिका चाहता है कि अगर मजबूत मिडिल ईस्ट में कंट्री हो, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट का सबसे मजबूत कंट्री इसराइल है, तो वो कंट्री अगर वहां पर रहेगा हमारा एक क्लाइंट स्टेट तो इनमें से कोई भी मुस्लिम कंट्री कभी भी अपना सर नहीं उठा पाए। और वो स्ट्रेटजी काफी कामयाब भी, बल्कि अमेरिका में बहुत से लोगों का ये आर्गूमेंट है ज्यूज़ का कि अमेरिका जो कि करीब एक $1.3 बिलियन हर साल मिलिट्री एड मेनली देता है इसराइल को कि और देना चाहिए क्योंकि अमेरिका को बहुत पैसा बच रहा है उस इलाके को पुलिस करने के लिए जो खर्च करता वो इसराइल वो काम करता। तो इसलिए अमेरिका और इसराइल के बहुत ही क्लोज स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं और अमेरिका किसी भी कीमत पर उसको फोरवो नहीं करना चाहता। पर ये बड़ी उसका यूनाइटेड स्टेट्स है, आप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स होने चाहिए पर मुस्लिम कंट्रीज में ना डेमोक्रेसी अमेरिका को पसंद है, तुनिसिया में भी इन्होंने इस तरीके से काम किया, इजिप्ट में भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करके मिलिट्री रूल कर दिया और यहाँ पे भी ये मामला है। तो आपको नहीं लगता कि जो अमेरिका की मॉरल स्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत कंप्रोमाइज होती है इनकी जो पॉलिसी पैलेस्टाइन में है?
देखिए अमेरिका की मॉरल स्टैंडिंग तो सिर्फ कहने के लिए बल्कि देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो बेसिकली रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से गाइड होती है, जिसमें पावर ही सारा मेन कंसिडरेशन होता है एंड जिसका जिसने जितना पावर होता है वो उतनी हिस्सेदारी लेता है। मोरालिटी तो है वो सबसर्वियंट है स्टेट के इंटरेस्ट, तो जब आपके इंटरेस्ट से कोई मॉरल प्रिंसिपल कंसिस्टेंट होता है तो आप वो मॉरल स्टैंड ले लेते हैं, और जब आपके इंटरेस्ट से कंसिस्टेंट नहीं होता तो आप कहते हैं कि हमारे स्टेट का इंटरेस्ट, इसको कहते हैं रैशनैलिटी, हायर रैशनैलिटी ऑफ द स्टेट। तो अमेरिका ज्यादातर अमेरिका के लिए किसी भी कंट्री को जो डेमोक्रेटिक होगा कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां लोगों की वॉइस होगी। तो अमेरिका के लिए इस तरह की कंट्रीज जो मोनार्कीज है बहुत आसान है, जिसमें एक फैमिली रूल कर रही है, अमेरिका उस फैमिली को कंट्रोल करता है और अगर वो जरा कुछ बोलेगी तो उसको रिप्लेस कर देगा दूसरी फैमिली से। तो अमेरिका नहीं चाहता बेसिकली, या इवन इसराइल भी नहीं चाहता कि वहां कहीं भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। इवन इसराइल में देखिए पैलेस्टाइन में जब गाजा में गवर्नमेंट बनी, वहां पर मतलब इलेक्शंस में हमास जीती, तो उन्होंने नहीं उनको एक्सेप्ट किया। तो किसी भी जगह अमेरिका डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं। प्रोफेसर बेग, क्या ये बता सकते ब्रॉडली स्पीकिंग पैलेस्टाइन में क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं और क्या इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस हुए? देखिए ऐसा है कि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कुछ आपको थोड़े से बता देता हूँ। जैसे जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उन टेरिटरीज का, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थी, जैसे वेस्ट बैंक पे ऑक्यूपेशन है, जेरूसलम पे जो कि एक टेरिटरी थी न्यूट्रल टेरिटरी मानी जाती थी जिसका रिलीजियस सेंसिटिविटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गाजा पे, वेस्ट बैंक पर, ये इलीगल ऑक्यूपेशन जो है वो यूएन चार्टर का क्लियर कट वायलेशन। उसी तरह जो इलीगल सेटलमेंट्स इसराइल बना रहा है सारी जगहों पर, मुस्तकिल बनाता चला जा रहा है, ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद थोड़ा सा उसमें रोक लगी थी, तो वो एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स को बढ़ा रहे थे, उनको एनहेंस कर रहे थे। अब 2017 के बाद से जब से जेरूसलम को एक्सेप्ट कर लिया है एज कैपिटल ऑफ इसराइल अमेरिका ने, और जब से उन्होंने कह दिया कि सेटलमेंट जो है वो बिल्कुल इलीगल नहीं, इसराइल ने फिर से सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये सारे सेटलमेंट्स जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है। उसी तरह जो लैंड को जबरदस्ती कंट्रोल करता है इसराइल और क्लेम करता है उस पे सोवरेनिटी, वो भी क्लियर कट यूएन चार्टर का वायलेशन है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि इसराइल के पास बहुत सी टैक्टिक्स ऐसी हैं जिसके जरिए उनके पैलेस्टीनियंस के लैंड्स को लेता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आप, जैसे ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक टेरिटरी, अब जो लैंड्स वहां पर हजारों सैकड़ों साल से लोग अपना यूज कर रहे थे, खेती कर रहे थे पैलेस्टीनियंस, अब जाहिर सी बात है उस जमाने में कोई इतने टेक्निकल पेपर्स नहीं होते थे, तो ऑटोमन पीरियड में ऐसे वो कर रहे थे, उसको टिलिंग कर रहे थे, उसकी यूज कर रहे थे, उनका लैंड था। लेकिन जब मैंडेट पीरियड आया तो उस बीच कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और 67 में जब इसराइल ने वेस्ट बैंक को और गाजा को ऑक्यूपाई किया तो उसके बाद से रजिस्ट्रेशन रोक दी। अब वो उनके जमीन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जबरदस्ती उनको हटा देते हैं, उनके घरों को गिरा देते हैं, कहते हुए कि साहब आपके पास तो कोई पेपर ही नहीं, क्योंकि आपने पेपर तो हमारे बनाए नहीं, तो वो इलीगल ऑक्यूपेशन, ये भी यूएन चार्टर का वायलेशन है। उसी तरह जो एथनिक क्लींजिंग हो रही है, जो इलीगली लोगों को एथनिकली क्लींज किया जा रहा है, वो भी जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है। उसी तरह जो अपार्थाइड सिस्टम है कि पैलेस्टीनियंस को एक इंफीरियर दर्जे का इंसान ट्रीट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ऑक्यूपाइड टेरिटरी में नहीं बल्कि इवन इन इसराइल जहां पर 1.8 मिलियन अरब्स रहते हैं उनके लिए अलग लॉज है, और इजरायली सिटीजन जो ज्यूज है उनके लिए अलग लॉज है। तो ये इस तरह का जो अपार्थाइड सिस्टम है इसराइल के अंदर, वो भी जाहिर सी बात है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन अपार्थाइड जो 1976 का है उसका वायलेशन। इसके अलावा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है जिनको कहते हैं कि जो नॉन डेरोगेटिव राइट्स, जिनको किसी भी सिचुएशन में आप एब्रोगेट नहीं कर सकते, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड और सारे राइट्स, फिलिस्तीन का राइट टू एजुकेशन, राइट टू सीक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, राइट टू गेट लीगल रिड्रेस, ऑल काइंड्स ऑफ राइट्स हैं वो सब वर्चुअली खत्म है। और आप ये देखें कि इस तरह की सिचुएशन है, इवन इसराइल मिलिट्री कोर्ट जो है जो जुवेनाइल्स के लिए बनी है वो हर साल करीब 500 से 700 फिलिस्तीनी बच्चों को ट्राई करके प्रोसिक्यूट करते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सट्रीम वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं जो यूएन चार्टर का वायलेशन है। उसी तरह इसराइल ने एक नई टैक्टिक शुरू की खासतौर से 2014 के बाद से, जिसको कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट, कि अगर एक दो लोग अपने वॉल्यूशन पे गलत काम कर रहे हैं, रॉकेट्स छोड़ देते हैं जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी से इसराइल के ऊपर, जो जाहिर सी बात है मिसडायरेक्टेड होते हैं, वो कहीं उनका ये कहना है कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी गिर जाते हैं, आज तक शायद कोई भी इंसान उसकी डेथ नहीं हुई इन रॉकेट से, कई लोग इंजर्ड हुए हैं। तो इसराइल ने कहता है कि अब इस तरह की कोई एक्टिविटी इंडिविजुअल्स करेंगे तो हम कलेक्टिव पनिशमेंट देंगे। जैसा उन्होंने 2014 के बाद से दिया कि जेट्स आते हैं और इलाके को पाउंड करते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं,
2014 में जो ऑपरेशन था उसमें तो करीब 400 टन बॉम्ब्स जो हैं वो गाजा के ऊपर गिराए थे इसराइल ने। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट एक तरह से इस तरह इसलिए है कि लोगों का मोरल टूट जाए और लोग किसी भी तरह का अपोजिशन हमारे इस जाहिराना निजाम पे न करें। उसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोकल लॉज, ये भी हेग रेगुलेशन जो 1907 के हैं उनका वायलेशन है। इसमें ये करते हैं कि साहब लोकल लॉज को भी बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लैंड पे लेने की बात कही, कहीं कहीं वो कहते हैं कि साहब ऑटोमन लॉ ये कहता है, जब ऑटोमन लॉ उनके फेवर में होता है, कहीं कहीं वो कहते हैं कि मैंडेट के जमाने का ब्रिटिश लॉ ये कहता है क्योंकि वो उनके फेवर का है, और कहीं कहीं उनका अपना लॉ तो है। फिर वो वेस्ट बैंक को जैसे उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि ऑक्युपाइड टेरिटरी, मतलब हमारी टेरिटरी, वो उसके ऊपर मिलिटरली ऑक्युपेशन में, लेकिन 24% इलाका उसका उन्होंने स्टेट लॉ के नाम से कब्जा कर लिया। उसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन करीब 28-30 रेजोल्यूशन है जिनको किसी को भी इसराइल ने नहीं माना है। और उसी तरह जैसा अभी आपने जिक्र किया था 2004 के बाद से जो वॉल्स बनी है जो डिफरेंट नेबरहुड्स को वॉल कर रही है और वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो उनके सेटलमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहते हैं बना रहे हैं, लेकिन वो और ज्यादा फिलिस्तीनियन एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है, जिसको आईसीजे ने भी 2004 में कहा था कि साहब ये इलीगल है, ये भी एक तरह का वायलेशन है। और खासतौर से आईसीसी का जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कहती है कि जो पिलेज हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज अ वॉर क्राइम एंड दैट इज ऑल्सो वॉट इसराइल इज अक्यूज्ड ऑफ डूइंग। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल लॉज हैं, कन्वेंशन हैं जिसको इसराइल इम्प्यूनिटी से वायलेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि दुनिया का बड़ा सुपर पावर और ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड उसके साथ है, इसलिए कोई भी आवाज जो है वो ज्यादातर कॉरिडोर से। मैं जब तेल अवीव यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो वहां की लॉ फैकल्टी एक क्लिनिक चलाती है हाउसिंग पे, प्रोफेसर जो हाउसिंग की डायरेक्टर हैं प्रोफेसर जिव, वो मुझे ले गई थी वहां, और ये बहुत से उनके घरों पर कब्जा कर लिया जो लोग 47 में या 67 में चले गए, और अब तेल अवीव यूनिवर्सिटी उनको रेस्टोर कराने की कोशिश कर रही है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन ये जो लॉज वाली बात है उसमें ऑटोमन की ट्रेडिशन ही शुरू करते हुए वहां हर रिलीजन के लिए पर्सनल मैटर्स में अलग कोर्ट्स हैं और अलग लॉज हैं, तो शरिया कोर्ट्स हैं अलग, ज्यूस की कोर्ट्स अलग हैं, क्रिश्चियंस की अलग हैं, ड्रूस की अलग हैं, तो एक कहीं ना कहीं कुछ लीगल प्लूरलिज्म मैंने जरूर इसराइल में देखा। लेकिन ये बात सही है कि जो ओरिजिनल आइडिया ज़ायोनिज्म का था कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, और सारे लोग चाहे वो अरब्स हों या वो ज्यूज हों उनको इक्वल राइट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं वो सेकुलर जो नेशनलिस्ट फीलिंग रही होगी एक ज्यूश स्टेट की, वो अब मेरे ख्याल से बदल चुकी है और बहुत एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूश स्टेट जो है वो, जो करंट उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो के बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ ब्राइबरी वगैरह के मामलात भी उनके सामने हैं। मैं इसराइल में था एक दिन, उनकी पुलिस ने 8-9 घंटे उन्हें इंटरोगेट किया। तो आपको ये लगता है कि उनके यहाँ भी एक सेकुलर मूवमेंट एक स्टेट बनाने से अब एक बिल्कुल ऐसी स्टेट बन गई है जिसमें किसी भी और नॉन ज्यू के लिए कोई इक्वल राइट नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बहुत से लेफ्टिस्ट ज्यूज हैं और जिनको या लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन के या कुछ सेकुलर ज्यूज हैं जिनका ये मानना है कि सर ये जो चीजें जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं और इस तरह का एग्रेशन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। 1948 का जो हमारा हमारी जो इलाका है, जो एरिया हमको दिया गया था, बस वही हमारा ज्यूइश स्टेट होना चाहिए। एंड अरब्स हैव अ राइट टू, पैलेस्टीनियंस अरब्स रादर हैव अ राइट टू हैव अ सेपरेट स्टेट, और दोनों स्टेट साथ साथ एग्जिस्ट करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स होगी इसको गवर्न करती है। जैसे जैसे नेतन्याहू पे कोई लीगल शिकंजा कसने लगता है वो और राइटिस्ट हो जाता है, और जब राइटिस्ट पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम ये होती है कि जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से देखती है कि एक राइटिस्ट पार्टी बड़ी अग्रेसिव हो रही है, तो उनको मजबूरन एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं? जैसे हिंदुस्तान में भी आप देखें कि अगर एक पार्टी बहुत ही राइटिस्ट हो रही होती है तो दूसरी पार्टी को मजबूरन होना पड़ता है उसको काउंटर करने के लिए। तो आज हिंदुस्तान में कुछ जगह पे कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चल रहा है, उसी तरह वहां पर एक कॉम्पिटिटिव रेसिज्म चल रहा है कि साहब जो बहुत एग्रेसिव किस्म का कम्युनलिज्म
नेतन्याहू कर रहे हैं तो दूसरी पार्टीज को भी करना पड़ता है, उनको लगता है हमारा सपोर्ट हट रहा है, तो पूरा स्टेट जो है वो स्टेट की पॉलिसी राइट की तरफ जा रही है। और इस वक्त तो ये लग रहा है कि अब वो सोच रहे हैं कि फिलिस्तीनी स्टेट क्रिएट ही ना हो, और इस वक्त मुझे लग रहा है हाँ नहीं मतलब आगे चल के भी जैसे शुरू में तो था कि कोई ट्रंकेटेड किस्म का हमारे कंट्रोल में किसी तरह का एक स्टेट बन जाए जो कहने को स्टेट हो, लेकिन ना, लेकिन आज जब अमेरिका ने जेरूसलम को रिकॉग्नाइज कर लिया है उनकी कैपिटल, और अमेरिका कह रहा है कि सेटलमेंट्स पूरी तरह लीगल है, तो इसराइल और ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो गया है। और मुझे लग रहा है कि अब उनकी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स ऑफ डिफरल है, रादर पॉलिटिक्स ऑफ इनडेफिनिट डिफरल, की अरब्स की सारी डिमांड्स को डिफर करते जाओ। और उनका ये कहना है कि हम ग्राउंड पे फैक्ट्स को चेंज कर देंगे, जब ग्राउंड पे हमारा कब्जा होगा, हमारी चीजें होंगी, हमारे सेटलमेंट्स होंगे, तो कल वो उनका बन ही नहीं पाएगा स्टेट। जैसे जेरूसलम में उन्होंने पूरा रिंग कर दिया नेबरहुड को, पूरे शहर को घेर लिया आपने नेबरहुड से, तो आप कभी भी उससे अरब स्टेट बना ही नहीं सकते। मैंने वो बात देखी प्रोफेसर, यूनाइटेड नेशंस की बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। मुझे लग रहा है कि उसके कई रीजंस हैं। एक रीजन तो है पूरे यूरोपियन वर्ल्ड का एक गिल्ट, जो हॉलोकास्ट हुआ ज्यूज के साथ, तो उनको लगता है कि हम अपने गिल्ट, हमारा एक गिल्ट है, साहब एक गिल्ट कि हमारे ज्यूज के साथ इतना जुल्म हुआ, तो उनको कोई कंपनसेशन देना चाहिए। अब ये अलग बात है कि कंपनसेशन किसी दूसरे के कॉस्ट पे दी जा रही है, मतलब ज्यूज को कंपनसेट तो किया जा रहा है, बट नॉट आवर कॉस्ट एट समबडी एल्सेस कॉस्ट, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ द अरब्स अनफॉर्चुनेटली हो गया। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका जाहिर सी बात है दुनिया का डोमिनेंट पावर है, और सारे जो और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं एक्सेप्ट चाइना और सोवियत और रशिया, वो सब तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वो सब सिंपैथेटिक है। इसीलिए आप देखें कि अभी ट्रंप ने जो प्लान दिया है, जिसको प्लान ऑफ द सेंचुरी, उनकी तो हर बात प्लान ऑफ द सेंचुरी होती है, इसको कह रहे हैं साहब ऐसी प्लान तो किसी ने दी नहीं, तो वो प्लान फॉरन ब्रिटेन ने सपोर्ट कर दिया, फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया, और आयरोनिकली अरब कंट्रीज ने सपोर्ट किया, मतलब इजिप्ट में उसको इंडरेक्टली सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया, बल्कि जब वो प्लान डिक्लेयर हुआ वॉशिंगटन में, तो वहां पर ओमान, बहरेन और यूएई के एम्बेसडर्स मौजूद। अब आप ही देखिए कि कितना जुल्म है कि पैलेस्टीनियंस का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, कौन डिसाइड करा है, नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब, पैलेस्टीनियंस है नहीं वहां, और उन्होंने मिलकर एक प्लान बना दिया कि आपको ये प्लान दिया जा रहा है, और आपके जो सो कॉल्ड सिंपथाइजर्स है अरब स्टेट्स, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब आपको इस पे सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो अब देखिए कि अरब्स तो बिल्कुल बेचारे लेफ्ट आउट हो गए, पैलेस्टीनियंस उनको तो कोई पूछने वाला नहीं, कहने के लिए पॉलिटिकली सब पैलेस्टीनियंस के लिए जान देने को तैयार है, लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट फॉर ईरान, एक्सेप्ट फॉर टर्की, उनके फेवर में कुछ एक्शन लेने को या करने के लिए या कहने के लिए तैयार भी नहीं। ये ईरान ने प्रोफेसर बेग 79 से शायद कुद्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया, या प्रोटेस्ट डे की तरह के लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान जो है वो उसमें वो करेंगे, तो ये अरब वर्ड जो शुरू में 47 में और फिर 67 में भी चार पांच छह कंट्रीज मिलके लड़े थे इसराइल के खिलाफ, ओवर द इयर्स कैसे ये इतने सॉफ्ट हो गए इसराइल पे कि अब तो सऊदी अरब के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हो गए, एयर इंडिया की फ्लाइट भी जो है वो अब तेल अवीव सऊदी टेरिटरी में से गुजर के इसराइल पहुंचती है। देखिए ऐसा है कि ये जो शुरू किया था आयतुल्लाह खुमैनी, जब 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, तो उन्होंने ये अलकुद्स नाम दिया, अलकुद्स अरबी में जेरूसलम को भी कहते हैं, इसका इसका ट्रांसलेशन है होली वन, तो ये उन्होंने कहा कि साहब हर साल ये अलकुद्स डे मनाया जाए, जिससे कि हम जायनिज्म की जो जो जारियाना पॉलिसीज हैं इसराइल में और जो जो फलस्तीन का एनेक्सेशन है उसको दुनिया के सामने इसको लाएं, और जो हम अपनी सॉलिडारिटी शो करें फलस्तीनियन लोगों के साथ। तो इसलिए आज भी पूरी दुनिया में फलस्तीनियन जहां भी मौजूद हैं, 20 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनियन पूरी दुनिया में हैं, तो वो सब इसको मनाते हैं, और बहुत से दूसरे लोग जो हैं जो उनके कॉज से सिंपैथेटिक रखते हैं उसको हैं वो उसको मनाते हैं। जहां तक ये अरब कंट्रीज का सवाल है, शुरू में तो ये ऐसी बात है, लगता था कि अरब लैंड में ये जगह आ रही है, तो इसलिए 1948 में जो वॉर हुई उसमें 5 अरब कंट्रीज, इराक, इजिप्ट, सीरिया, ये सारे शामिल थे। उसके बाद 1970 जॉर्डन भी, 67 में वॉर हुई उसमें भी अरब कंट्रीज थे, 73 की वॉर में भी ये सारे अरब कंट्रीज, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऑन द ग्राउंड सिचुएशन चेंज होती, चेंज क्या हुआ, कई चीजें हैं, एक तो इसराइल बहुत मजबूत होता चला और फिर वहां का वो डोमिनेंट पावर इमर्ज हुआ। दूसरी तरफ ये हुआ कि जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया का समझ लीजिए ग्रुप है,
इसमें उसके साथ कुछ कंट्रीज हैं, बहरेन है, ओमान है, कतर है, ये सारे कंट्रीज हैं उसके साथ हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो एक बड़ा पावरफुल कंट्री इमर्ज हो रहा है। तो इन लोगों के लिए ईरान को काउंटर करना इमीडिएट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एज कंपेयर टू इसराइल। तो अब वो इसराइल से भी अलाइन कर लेते हैं ईरान को डाउनग्रेड करने के, मतलब ये कोई ईरान नहीं है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसराइल का साथ दे रहे हैं अगेंस्ट ईरान। अरे अगेंस्ट ईरान, उसी तरह अमेरिका, उनको लग रहा है कि अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट भी अमेरिका पे, अगर अमेरिका को ज्यादा अनॉय करेंगे तो अमेरिका हमारा वही हाल कर सकता है जैसा उसने इजिप्ट की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म करके सीसी को बैठा दिया, जैसा उसने सद्दाम हुसैन को हटा दिया, और जैसा उसने लीबिया में कजाफी को हटा दिया, वैसे हमें भी हटा सकता है। तो इन लोगों के लिए साइन है, और अमेरिका वक्तन फोक्तन अपने इस तरह के एक्शंस करता रहता है, जैसे उसने अभी क्राउन प्रिंस को चेंज कर दिया कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में। तो ये सारे सिग्नल्स हैं कि अगर आप हमारे नहीं सुनेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। अमेरिका के आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इंडिया की कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है वो कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल पैलेस्टाइन के फेवर में थी, ये कब से चेंज हुआ कि पैलेस्टाइन के मुकाबले में अब हमारे इसराइल से बहुत क्लोज रिलेशंस हो गए? इसराइल से रिलेशंस तो क्लैंडेस्टाइनली बहुत दिनों से थे, खासतौर से जब से वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी पहली एनडीए गवर्नमेंट, लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक नई थोड़ा चेंज किया अपनी पॉलिसी में, इसमें कहा कि हम अपनी पॉलिसी पैलेस्टीनियंस और इसराइलीज की जो है उसको डीकपल करेंगे, मतलब हमारी पॉलिसी इसराइल की जो है वो पैलेस्टीन से गवर्न नहीं होगी, वी विल हैव रिलेशंस विद बोथ। उन्होंने कहा कि हमारी जो है पैलेस्टाइन भी गए थे, पैलेस्टाइन भी गए, इसराइल भी गए, और दोनों उसी ट्रिप पे नहीं गए, अलग अलग गए, ये दिखाने के लिए कि साहब हम पैलेस्टीनियंस के लिए साथ भी हैं, हम आपके कॉज के लिए भी आपके साथ हैं, और हम इसराइल से भी रिलेशन रखें, क्योंकि इसराइल से हमारे बहुत से एग्रीकल्चरल रिसर्च में और दूसरी हाई एंड रिसर्च में इसराइल साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड है, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में और वेपन्स के खरीद में हमारे इसराइल से बड़े रिलेशन हैं, तो वो भी मेंटेन रहेंगे और पैलेस्टीनियन से भी हमारा रिलेशन रहेगा। तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को डीकपल कर दिया, ये एक हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक चेंज था हमारे। तो क्या ये मसला पैलेस्टाइन का कभी भी हल होगा, या आप कह रहे थे कि साहब उनकी पैलेस्टीनियंस की स्प्रिट्स को जो है तोड़ने की कोशिश की गई बहुत शुरू से, लेकिन मैंने वहां जाके प्रोफेसर बेग ये देखा कि पैलेस्टीनियन बच्चे 70 साल की इस लड़ाई के बावजूद और इस जुल्म के बावजूद उनकी स्प्रिट्स डैम्पन नहीं हुई हैं अभी तक। देखिए, जहां तक जो आपने सवाल पूछा कि इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, देखिए एक बड़ा मुश्किल चीज है कि पैलेस्टीनियंस जो है बेचारे एक कॉर्नर में, और दूसरी बात यह है कि इसराइल ने जिस तरह से दुनिया में प्रोपेगेंडा किया है जिसके तहत पैलेस्टीनियंस को पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में और दूसरी जगह ज्यादातर ही माना जा रहा है कि वो टेररिस्ट, क्योंकि जब स्टेट रिप्रेशन होता है और वो स्टेट रिप्रेशन के अगेंस्ट पत्थर भी मारते हैं और कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ वायलेंट एक्टिविटी भी करते हैं, तो उसको कहा जाता है टेररिज्म। तो जिस तरह से उन्होंने अपने को मार्केट किया एज विक्टिम्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, कि ज्यूज जिनको पूरे यूरोप में जिनकी बड़ी खराब इमेज थी, वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरी दुनिया में खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट किया एज विक्टिम्स, द पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिम। आप देखें वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ा होलोकॉस्ट मेमोरियल है जो पहले ज्यूज ने बनाया था, आज अमेरिकन गवर्नमेंट इसको फंड करती है, इसमें पूरी बिल्डिंग में दिखाया गया है कैसे ज्यूज के साथ होलोकॉस्ट में जुल्म हुआ। तो इस तरह से और डिफरेंट जगहों पर उनके थिंक टैंक्स है, AIPAC अमेरिका का सबसे पावरफुल थिंक टैंक्स में से है, तो वो जिस तरह से लॉबिंग करते हैं गवर्नमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में उनके लोग हैं जो इसको प्रोजेक्ट करते हैं कि हम विक्टिम्स हैं। तो अमेरिका के अंदर प्लस वो इवांजेलिकल क्रिश्चियंस है, वो भी बाइबल के अंदर क्योंकि इस चीज का जिक्र है तो वो भी काफी सिंपैथेटिक है इसराइल के कॉज से। तो ये सारी चीजें एक बड़ी पॉजिटिव इमेज अमेरिकन सोसाइटी में भी बनाती है अदर देन द गवर्नमेंट, इसराइल जो है वो एक बहुत ही सैक्रेड ड्यूटी हमारी और हमें इसराइलीज को सपोर्ट करना चाहिए, और पैलेस्टीनियंस की आवाज ही वहां तक नहीं पहुंचती, और जो कुछ पहुंचती है एज टेररिस्ट एज डिस्ट्रप्टर्स जो कोई बात नहीं मानते। वही मैंने आपको जो कहा था ना जोकर थ्री वाली बात की, सारी प्रपोजल्स ऐसे दिए जाते हैं जो एक्सेप्ट ना करें, जो एक्सेप्ट नहीं करते तो उनसे कह दिया देखिए साहब आप कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते। एक प्लान दिया था बुश ने रिसेंट पास की, मैं आपको बताऊं, उसमें ये कह दिया कि साहब पैलेस्टीनियन जो रिफ्यूजीज है उनको रिटर्न का कोई राइट नहीं होगा, पैलेस्टीनियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर क्लिंटन ने प्लान दिया, उन्होंने उसमें भी यही कहा कि साहब जो रिफ्यूजीज है उनका कोई राइट नहीं होगा, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ट्रंप ने प्लान दिया, वो और ज्यादा उससे आगे है,
वो ये कह रहा है साहब आप इसराइल ने जो कुछ भी आज तक किया है उस पर कोई आपका लीगल क्लेम नहीं होगा, कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। मेरे ख्याल से वो इस वजह से क्योंकि अभी आईसीसी ने रिसेंटली अभी वेरी रिसेंटली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि साहब इसराइल वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व है और उसका अब इन्वेस्टिगेशन होगा और वी विल प्रोसीड अगेंस्ट इसराइल। क्योंकि पहले दिसंबर में तो उन्होंने कहा था कि हम पहले ही देखेंगे कि हमारा इसराइल अगेंस्ट प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन अभी पूरी तरह स्टेट नहीं है और इसराइल जो है वो रोम स्टैट्यूट का सिग्नेटरी भी नहीं है। लेकिन अब उन्होंने मान लिया है कि हम इसराइल के अगेंस्ट वॉर क्राइम के लिए प्रोसीड करेंगे। उसकी वजह से इसराइल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है और अमेरिका बहुत नाराज है। पोम्पियो ने थ्रेटन भी किया आईसीसी को कि इट विल हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप प्रोसीड करें इसराइल के अगेंस्ट। तो ये सारा सपोर्ट है उनका दुनिया में, तो उससे फिलिस्तीनियंस का फ्यूचर बड़ा ब्लीक लगता है। लेकिन ह्यूमन स्पिरिट को मारना इतना आसान भी नहीं है। तो दुनिया की हिस्ट्री में ये रहा है कि कितना भी जुल्म हुआ है लेकिन ह्यूमन स्पिरिट कभी नहीं मरी। अंग्रेजों ने 200 साल हिंदुस्तानियों के स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तानी नहीं माने और इवेंचुअली वी गॉट फ्रीडम। सो दैट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असमर बेग। में हम आगे भी आपको जहमत देते रहेंगे। अगर आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए देना चाहें तो एक कुछ ब्रीफ में बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, मैं भी इसके वीडियोस देखता हूँ। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए आम फहम जबान में टेक्निकलिटीज को सिंप्लीफाई करते हुए बड़े ही कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज को बहुत ही खूबसूरत ढंग से बहुत कम वक्त में लोगों के सामने पेश कर देती है ये वेब सीरीज। और मुझे बहुत खुशी है कि ये वेब सीरीज चल रही है और मुझे लग रहा है कि हमारे खास तौर से यंगस्टर्स के लिए एक लीगल इशू एजुकेशन का एक प्रॉपर अच्छी लीगल इशू एजुकेशन का बहुत अच्छा एक वेब फोरम ये बना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। थैंक यू।